जय श्री राम मित्रों। तो मैं हूँ आपका अपना परसानिया बिट्टू और मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक से अहमदाबाद टू अयोध्या। तो आज है मेरा दूसरा दिन। तो अभी मैं रुका हुआ था कोटा में और आज की जर्नी रहने वाली है 318 किलोमीटर की, जो कि यहाँ से हम जाएंगे झांसी। तो मिलते हैं, अभी तो नाश्ता चल रहा है, नाश्ता कर लेता हूँ। और अभी बज गए हैं 7:05 की देरी है, तो नाश्ता करने के बाद निकल जाएगा झट से, क्योंकि रास्ते में थोड़ी दिक्कत दे ऐसी बात है। तो मैं आप लोगों को गोप्रो में बाइक में स्टार्ट करूँगा, तभी आप लोगों को बताऊँगा क्या तकलीफ पड़ने वाली है आज। तो और आज सबसे डेंजर रोड में मैं जाने वाला हूँ, तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरा, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं, सब लोगों की बातचीत। तो ठीक है, चलो मिलते हैं, अभी मैं नाश्ता कर लेता हूँ। तो जय श्री राम। तो अभी मेरा सामान पैक हो गया है और अपनी राम प्यारी भी रेडी हो गई है, फुल स्टार्ट भी कर दिया था। और यहाँ पे बहुत सुबह हो जाती है, बहुत टाइम से 6 बजे का दिन आ गया। तो अभी निकलते हैं, भैया गए हैं चाय लेने के लिए, मगर मैं चाय नहीं पीता, तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट रुको, मिल के जाते हैं। तो भैया आते हैं, बाद में मैं निकल जाता हूँ। तो आप लोगों को रास्ते में सब बताता हुआ निकलूँगा। तो अब जा रहे हैं झांसी। तो चलो जय श्री राम। चलो अभी निकलने का टाइम हो गया है, ये ट्रिप 2 को हम जीरो कर देंगे, कि ये ट्रिप 1 को करें, ट्रिप 1 को हम जीरो कर देते हैं, पता चले आज कितनी चलाई। ये ट्रिप 2 वैसे ही रहने देंगे, अहमदाबाद टू अहमदाबाद। तो चलो मैप भी लगा दिया है, अब निकलते हैं। चलो भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो भाई, जय श्री राम, जय श्रीनाथजी बाबा, श्री राम, आराम से जाए, आराम से आइए। बजरंग बली कृपा करना। बहुत बढ़िया थी मूर्ति। और मैंने राजस्थान में घुसा हूँ ना, तब से मैंने देखी है कि हर घर में भगवा रंग फेर रहा है। हाईवे में कोई दिक्कत की बात नहीं राजस्थान में। तो आज हम जाने वाले हैं और रूट में थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हम जा रहे हैं चंबल। चंबल के इलाके से निकलेंगे, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरा फ्रेंड जाके आया, उसको मैंने कॉल करके पूछ लिया भाई क्या है दिक्कत की कोई बात करने के, 9 बजे के बाद निकलना और 3 बजे पहले निकल जाने का, और रास्ते में से 3-4 बजे के बाद, शाम को तो मत ही जाना। तो अभी हम सुबह निकल गए, यानी 10-11 बजे तक तो हम क्रॉस कर देंगे। अभी ठंड है, तो इस हिसाब से इंजन भी गर्म नहीं होगा, हीट नहीं होगा। तो 150 किलोमीटर जैसा खींच देंगे, 300 किलोमीटर जैसा है, 314 कितना है, 310 है, 324 किलोमीटर है, इसलिए इसको खींच देंगे 150 किलोमीटर। बाद में पेट्रोल पंप आएगा, उधर पेट्रोल पुरवा लेंगे, डलवा लेंगे। और कल पेट्रोल जहाँ पे मैंने डलवाया उधर एक स्कैम हो गया था, मुझे पुरवाना था 95, मगर मैं बातचीत में, वो बच्चे के बातचीत में, उन लोगों ने नॉर्मल पेट्रोल डाल दिया। तो बाइक इतनी ताकत चाहिए उतनी ताकत नहीं दे रही है, जितनी 95 में मिलनी चाहिए उतनी। तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा ख़त्म होगा तो आधा टंकी हो जाएगी, तब डलवा देंगे 95, पेट्रोल मिक्स हो जाएगा तो पावर में भागेगी बाइक। तो फाइनली गए हम लोग हाईवे पे चढ़ गए हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा कोहरा कोहरा है, हमारे गुजराती में धुम्मस बोलते हैं, धुम्मस है थोड़ी सी है। और यहाँ पे कुत्ते और गाय बीच में बहुत आते हैं, और क्या बोलना था मुझे, हाँ तो आप लोग बाय रोड आ रहे हो गाइस, तो एक बात का बहुत ध्यान रखना कि हेलमेट में है ना फोग वाइजर डलवा के आना। मैं परेशान हो गया हूँ फोक से, कांच ओपन करने के बाद चला पा रहा हूँ, उसके बाद नहीं चला पा रहा बंद करने के बाद। तो आप लोगों को भी थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी, फिर हवा की, और गाय देखो कैसे बीच में मटक रही है, और यहाँ पे सब लोग स्पीड में घूम रहे हैं।
तो यहाँ पे सब लोग स्पीड में जा रहे हैं और बीच में गाय है, कुत्ते हैं, घूम ही रहे हैं। रास्ता जो हमने कल पकड़ा था वही रोड है। हम सिटी में आ गए थे कोटा में। और हाँ, कोटा में आप लोगों को आना हो तो होटल एडवांस मत बुक करना, आप लोगों को होटल मिल जाएगी, बहुत सारी होटल है। वो तो कल मेरा थोड़ा रूट भी लंबा था तो ढूंढना ना पड़े, इस हिसाब से हमने बुक कर दी थी। मगर मैं कल बहुत ज़्यादा पहुँच गया था, रोड अच्छी थी इसलिए। अभी तो कोहरा ही कोहरा। ये आ गया दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। और ये मेरे ख्याल से डैम है, खाई है। हाँ खाई है, मिट्टी काट रहे हो गए। ये रोड बहुत बढ़िया बनाई है। और अभी मेरे ख्याल से हम निकल तो जाएंगे सेफली, क्योंकि पब्लिक आ रही है शिवपुरी तक तो है ये सब बाइकर। इधर से जाएंगे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे तक सीधा बड़ौदा। तो चलो हाईवे वो तो ऐसा होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए। बाइक भी अपने टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। और कोटा में गाइस गूगल मैप नहीं चल रहा तो कोटकर बहुत आ रहे हैं, उसका कुछ इलाज करने का। हाँ तो कोटा में आप लोग आ रहे हैं तो ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके आना ज़रूर, क्योंकि राजस्थान में कोटा के पास नेटवर्क भी एक कोई सिम के नेटवर्क नहीं आ रहे। मेरे पास जियो एयरटेल है, वोडाफोन भी है, तीनों ट्राई कर लिए तो भी नहीं आ रहे थे नेटवर्क। प्लस यहाँ पे GPS ही काम नहीं करता। कल मैं बहुत परेशान हुआ, जो कि मैंने ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि बैटरी भी 2% थी GoPro की और चार्जिंग में लगा था, वो करता था टाइम बीत जाता, इसलिए मैं रिक्शे वाला की हेल्प ले लेके होटल तक तो पहुंच गया था। तो तभी एक भैया आए जो राम भक्त थे बहुत बड़े, उन्होंने मुझे पेशियल कहा कि चलो मेरे साथ, वो मुझे होटल तक छोड़ने के लिए आए थे। और अभी हम इस रोड हाईवे पे 182 किलोमीटर है, ऐसे ही खींचने की है 182। सामान भी चेक कर लिया, टाइट है एकदम। देखिए आप लोगों को भी दिखा दूं तो चलो भगाते हुए निकल जाएंगे। थंबनेल भी ले लिया है भैया। झांसी झांसी जाने के लिए ही रोड है ना, झांसी जाने के लिए। चल भाई बैक साइड में स्टैंड चढ़ा देते। हाँ भाई तू आगे चला जा। तो अभी सूरज दादू आ गए हैं। अब थोड़ा सा कोहरा हटने लगा है, थोड़ा थोड़ा सा, बाकी तो बात लग रही थी। और हाथ भी थोड़े से चिल्ड पड़ गए हैं, तो मैंने सोचा चलेगा था चलो ना इतना तो इतना। तो अभी थोड़ी सी गर्माहट हो रही है, पर हम आ गए तकरीबन 50 किलोमीटर तक आगे आ गए हैं कोटा से। गाइस व्यू देखो, व्यू क्या व्यू आ रहा है अपनी राम प्यारी। मैंने सोचा नहीं था कि राम प्यारी यहाँ तक भी पहुँचेगी। वैसे नाथद्वारा तक का तो प्लान था हमारा, मगर अयोध्या जा रहे हैं गाइस, बहुत बड़ी बात है अयोध्या जाने। और यहाँ पे थोड़ी सी जलन की भी खुशबू आ रही है, जैसे कि खेत में से नहीं जलाते केरोसिन पेट्रोल की भी बास आ रही होती है। पहले तो मैं डर गया था कि साला अपनी बाइक में पेट्रोल की बास क्यों आ रही है। भाई अच्छे से सूंघा रहा तो पता चला कि हवा में बास आ रही है। अपने को सीधा ही जाना था,
चलो जी, क्या व्यू है। इस साइड पूरी सिटी और इस साइड पूरा खेत। तो गाइस फाइनली क्या रोड आ गई है, पूरा घाट है, कॉर्नर ही आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। और मेरे ख्याल से चंबल का है पूरा इलाका, यहाँ से 40 किलोमीटर है दूर एमपी के बॉर्डर। और चंबल कोटा में भी चंबल पड़ता है, तो मेरे ख्याल से चंबल ही है। हम उस रोड पे जाएंगे, हाँ फाइनली हम उस रोड पे निकलेंगे। पर बस क्या रोड बनाई है, और आगे आर्मी वाले जा रहे हैं, ये कोई बात के दौर नहीं है। बस चंबल चंबल है, देखा कितना घना है जंगल, देखो तो। अभी थोड़ा प्लान में भी चेंज हो रहा है कि मैं पहले पहुंच जाऊँ, झांसी पहुंच जाता हूँ, 1 बजे तक पहुंच जाऊँगा ना, तो कानपुर के लिए जाने का सोच रहा हूँ, तो कानपुर लगा दूँ गाड़ी। तो अभी हम जाएंगे कानपुर, सोच रहे हैं। मैनेजर को फोन किया था तो सब देख रहा है। वैसे हमारा झांसी में हमारा फ्रेंड भी रुका था, देखा ना, बोला था ना कॉर्नरिंग आएगा। और इसके आगे 80 किलोमीटर के बाद है ना, वो थोड़ा दिक्कत देने वाला रूट है। तो आप सभी का स्वागत है एमपी में, मध्य प्रदेश में। हमारी बाइक आ गई है मध्य प्रदेश एमपी में। तो जस्ट एंटर हुए हैं हम बॉर्डर गई, मुझे लगा वैसे ही चेकिंग होगी, मगर बॉर्डर थी एमपी में हम आ गए हैं और यूपी में। हमारी बाइक का ये है दूसरा स्टेट। वाह मेरे राम प्यारे वाह। तो अभी फाइनली हम लोग खड़े हैं एमपी के टोल नाके पे। बाइक हो गई थी थोड़ी सी हीट, तो यहाँ पे सभी भैया मिलने के लिए आ गए थे। तो सब लोगों ने मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दी है, और बाइक भी अभी कूल हो गई थी, और गोप्रो भी अभी थोड़ी देर में गिर गया था, थोड़ा सा डैमेज हुआ है बॉडी में, लेंस में तो कुछ नहीं हुआ। तो अभी निकलते हैं, थोड़ा सा 100 किलोमीटर जैसा बचा है, झांसी जाके फ्रेंक को कॉल करेंगे, नहीं तो कानपुर लगा देंगे गाड़ी। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो अभी एमपी के पहले टोल नाके पे हम खड़े रह गए थे, तो सब ट्रक वाले आ गए थे। मैं सबकी साइड काटते हुए निकल गया था, भाई बाइक हीट हो गई थी तो इसलिए रुका हुआ था। तो सब लोगों ने आके पूछा, जय श्री राम बोला, बातचीत की, आधा एक घंटा बैठा, आधा घंटा जैसा बैठा था। तो बाइक भी पूरी ठंडी हो गई है, अब खींच लगे, पूरी झांसी तक खींच लगे, और थकान तो नहीं लगी है। तो अब देखते हैं कि कहाँ तक खींचेंगे। अब मैनेजर बोल रहा है कि झांसी में ही रुक जाए, भला आधा दिन हुआ है तो भी। तो मैं सोच रहा हूँ कानपुर लगा दूँ। अब देखते हैं, झांसी में 10 किलोमीटर की देरी होगी ना, तब कॉल करूँगा क्या टाइमिंग बैठता है दिमाग में। देखो भाइयों क्या रोड है, बस ऐसे रोड कानपुर खींच दूंगा, शायद तो कानपुर खींच ही दूंगा। ऐसी रोड और ऐसा मौसम हो तो क्या चाहिए, बस ये क्या दिखाई दे रहा है। इस साइड बहुत बढ़िया है, और भाई नई गाड़ी लेके जा रहा है अपने घर। अरे डैम लगता है डैम। कितना लंबा ब्रिज है, आप लोग सिर्फ देख पा रहे होंगे, महसूस तो मैं कर रहा हूँ। तो अभी एक लड़का मिला है जो साइकिल लेके जा रहा है। जय श्री राम। कहाँ से हो भैया? उदयपुर। कितने दिन हुए निकल दे? 26 जनवरी को निकले थे।
26 तारीख को। सही है। मैं तो कल निकला अहमदाबाद से। आज कहाँ तक जाने का है? चाय, चलो एक और साथी चलते हैं हमारे आगे, आगे के ढाबा देख, होटल देख। हाँ चलो, मैं उसको बोलता हूँ। ठीक है, कहाँ तक जाने का है आज? आज कहाँ तक जाने का है आपको? अयोध्या जा रहे हैं। वो तो मैं भी अयोध्या ही जा रहा हूँ, पर वैसे रुकोगे सही ना आज रात को? झांसी में। चलो चलो ठीक है, आगे मिलते हैं। तो आगे कोई उनका भी और एक साथीदार है, पर बाइक भी गर्म हो गई थी, अच्छा हुआ मिल गए। तो फाइनली गाइस उन लोगों को तो मिल लिया, और अभी हम लोग निकल पड़े हैं कानपुर की तरफ। और इसको कैंसिल कर दिया, क्या नाम था, झांसी को, झांसी को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, और हम निकल जाएगा कानपुर की ओर। तो खाना पीना खा लिया है, हमारे गुजराती का फेमस थेपला था, थेपला और स्वीट डी है मम्मी ने, वो खाना खा लिया है। और अभी तकरीबन 5 घंटे का ड्राइविंग ओवर है, खड्डा बच गया। 5 घंटे का ड्राइविंग ओवर है, तो खाना पीना खा लिया है अच्छे से। और कितना, 261 किलोमीटर होता है, इंडियन ऑयल आ गया, पेट्रोल पुरवा लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 3 पॉइंट है, और रिक्स नहीं लेना, नॉर्मल हो तो नॉर्मल। बंद कर देते हैं, बाद में पुराते हैं। 95 रुपये है, आगे हम एमपी में है ना, इसलिए गुजरात वाला ही प्राइस है, गुजरात से भी मैं शायद से कम है। तो बंद कर देते हैं। खुल गया, काड काड। फुल करना, फुल फुल ठीक है, कर दो। कितने रुपए लीटर है प्राइस, क्या है? 110 रुपए का है लीटर, देखते हैं कितना आता है। एक तो साली ये चार्जिंग में लगाया है ना गोप्रो, अब देखो। हाँ जी, हो गया जी फुल। नो, बस बस 999 का आया 9 लीटर। तो फाइनली फ्यूल अप हो गया है फुल गाड़ी, अब निकल पड़ेगा कानपुर की ओर, झांसी को बाईपास करते हुए। और इस मीटर में थोड़ी सी दिक्कत है, अभी आ जाएगा, 1 पॉइंट डिजिटल मीटर है इस हिसाब से। गोप्रो को भी चार्ज कर दिया है, 999 का पेट्रोल आया 9 लीटर। इधर तो पेट्रोल महंगा है, राजस्थान से भी महंगा है। राजस्थान में हमने 95 112 रुपये में शायद पूरा आया था, पर यहाँ पर ही नॉर्मल पेट्रोल का प्राइस भी 110 रुपये लीटर है। तो ये टंकी पूरी चली जाएगी
300 किलोमीटर है ना, हाँ हो जाएगी। अब 773 है, 873 हो गए, 8 7 3 तब तक खींचेगा। हेलो, ख्याल से हम आ गए हैं यूपी में। हाँ ना ना, एमपी है, मध्य प्रदेश का। कोई चेकिंग चल रही है, सारे ट्रकों को डॉक्यूमेंट दिखाने को बोल रहे हैं। तो ये जो आरटीओ का है एमपी, ओ बाप, मैंने बोला जो भी जांच ही नहीं है यूपी आ गया, तो मगर एमपी है अभी भी। भैया थोड़ा सा टाइम हो जाएगा आरटीओ का। तो फाइनली हैवी आर इन यूपी। जो हम लोग यूपी में पहुंच गए थे, जो बॉर्डर थी वो यूपी की थी, यूपी में एंटर हो गए थे। और यूपी में नहीं आए, गोलगप्पे नहीं खाए, तो क्या किया? तो मैं गोलगप्पे खाने के लिए रुका था, तभी सामने के जो है सरदार जी, उनके फ्रेंड लोग, उन लोगों ने मेरा बिल पे कर दिया। और बहुत बढ़िया बंदे हैं यूपी के, और रास्ता भी मैंने पूछ लिया कि कैसा रहेगा, तो बोला कि आराम से 120-130 जाएगी। मन में मैंने बोला कि 120 तो हमारी गाड़ी की कैपेसिटी नहीं है, और इंजन को भी थोड़ा सा कूल करना था, तो अब पहुँच जाएगा जल्दी से। जो भैया है उन लोगों ने बहुत हेल्प की मुझे मेरी। और गोलगप्पे तो बहुत यूपी के है, फेमस है। खाना खा लिया है तो अब जल्दी से निकलते हैं। और ये साला थोड़ा सा ही चिपका है, हो गया। तो चलो मैं निकलता हूँ, खाना पीना खा लिया, 15-20 मिनट लग गई होगी। चलो बोलो सी अगर ये रही भैया की गाड़ी। चार फ्रेंड थे, बहुत बढ़िया। अभी हम खींचते हैं, थोड़ी सी ब्रेक लगानी पड़ेगी भैया जी। वैसे हम भैया जी के शहर में ही है ना, यूपी के भैया लल्लन टॉप। आज के दिन के दो स्टेट हमें कवर किए, टोटली 3 स्टेट, राजस्थान से आ गए एमपी, एमपी से यूपी। वाह मेरी राम प्यारी, वाह। आगे जा रहे हैं राम भक्त पैडल, राम मंदिर का है। रुकते हैं 2 मिनट। अयोध्या के ही है, खोल देता हूँ वाइजर। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। कहाँ से हो? मंदसौर एमपी। एमपी से अब कहाँ तक चलोगे? अयोध्या। वो तो मुझे मालूम है, रात तो स्टे करोगे ना? तो कुछ तो बस यहाँ आगे देखेंगे हम। अच्छा, रुकना वहीं रुकेंगे। मैं भी अयोध्या जा रहा हूँ, दिखाना है थोड़ा कुछ। हाँ, 1067 किलोमीटर है। अच्छा, आज 16 दिन हो गए हमें चलते हुए। चलते हुए क्या बात है, मैं तो कल सुबह चला हूँ, कानपुर लगा दूंगा। अच्छा,
आज कानपुर कल अयोध्या। अभी हमें हम 7 या 8 के दिन पहुँचेंगे अयोध्या। दो लोगों सही है सही है। चलो मैं भी निकल रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी 200 किलोमीटर है। क्या 300 नहीं नहीं और होगा 200 और 200 250 टोटल 450 किलोमीटर है। ओके चलो ठीक है, जय श्री राम। यहाँ से यूपी में जैसे एंटर हुए वैसे ही राम भक्त आने लगे हैं। तो थोड़ा सा हम भी भुगा लेते हैं क्योंकि अभी 200 किलोमीटर है, 6:30 बजे दिखाई दे रहा है। तो अभी पकड़ो ना, मैंने बोला था ना 7 बज जाएंगे, 7 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, इसलिए कोई बात नहीं है। वहाँ पे जाके पहले तो रूम बुकिंग नहीं है। आगे कुछ तो बना बना है, पीछे सामान थे, कपड़े थे, बूट वो सब थे छोटे बच्चों के। चलो अपनी गाड़ी तो निकल जाएगी। ओहो हो बच्चों को उड़ा दिया लगता है। ट्रक वाले बहुत गलत चलाते हैं यहाँ पे यूपी में, वो तो देख लिया। ट्रक और बस यहाँ का ड्राइविंग ही अच्छा नहीं है, बाकी सब मानस रेडी है स्वभाव से, बाकी ड्राइविंग इन लोगों का बहुत ख़राब है। अब पेट्रोल पंप आ गया है तो उधर रुकते हैं क्योंकि बाइक को लाइव लोकेशन भी भेज देता हूँ, बाइक को 15-20 मिनट तक के मैं ठंडी भी होने देता हूँ। और एयर रोड का आसानी से फूलने वाला तो है नहीं। ले चाय भी आ गई। चाय की टपरी इधर चाय पानी पीते हैं। तो अभी भैया मिले जो बेंगलोर से साइकिल लेके आ रहे हैं, और वो अंकल जी आ रहे हैं वो हमारे राजकोट गुजरात से आ रहे हैं। कितने दिनों से निकले हो? 23 दिन हो गए। ओहो। और ये अंकल हमारे गुजरात से है तो इनके साथ थोड़ी गुजराती में बातचीत कर ले रहे हैं। केम छो? અમદાવાદ હું કે ક્યારે નીકળ્યા? 21 તારીખે નીકળ્યા. આપ કહાં છે? અમદાવાદ. હા મેને દેખા, અમે તો હે અમારે સાથે ચલને બહુત લોગ આ રહે હે પીછે ભી. તો ચલો જય શ્રી રામ. भैया को 2300 किलोमीटर साइकिल चला के आ रहे हैं, सैल्यूट है बहुत। हमारा तो 1000 हुआ है वो भी गाड़ी में, तो भी सब लोग मुझे वाह वाह दे रहे थे। वैसे तो असली सैल्यूट के हकदार ये लोग हैं जो साइकिल में आ रहे हैं, वो भी 2800 किलोमीटर। और हमारा रह गया 140 किलोमीटर कानपुर, कल निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि कानपुर के लिए निकल जाते हैं, और यहाँ पर भी हमारे श्री राम भक्त मिल गए, सब हैंडीकैप है मेरे ख्याल से। तो
जय श्री राम। बहुत लोग आ रहे हैं बस, जय सिया राम जय सिया राम। ये देखो चाचा भी, जय श्री राम। हिम्मत देनी पड़ेगी इन लोगों को भी, हिंदी का होके भी सब लोग आ रहे हैं। मैं अपने आप को नसीबदार समझता हूँ जो मैं अयोध्या आ सका। बहुत लोग आ रहे हैं यूपी में, तो मुझे बहुत ही लोग मिले हैं जो अयोध्या के लिए निकले हैं, पैदल है, साइकिल में है, ये सब तो हैंडीकैप थे। देखो तो हम तो बाइक लेके आ सकते हैं ना, और सब लोग डर रहे थे। पापा का भी दो बार फोन आया, वो टेंशन कर रहे थे क्योंकि सब लोगों ने मुझे भी डरा के रखा था कि वो इलाका, मगर वो इलाका है थोड़ा सा, इधर भी मैंने पूछा तो बोला था कि थोड़ा सा है, मगर वो शाम के लिए ख़राब है। दोपहर तक तो बढ़िया रहता है, सब पब्लिक भी आती रहती जाती है, पुलिस का भी चक्कर लगता रहता है, पर शाम के 7 बजे के बाद थोड़ा सा डेंजर खतरा बढ़ जाता है। नो नो 30,000 कंप्लीट, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माय लवली बाइक। तो बाइक के 30,000 कंप्लीट हुए गाइस, किलोमीटर देख लो 0-0, अभी दूर चढ़ गए 30,000 हुआ, वो भी यूपी में रामनगरी जाते हुए, और 55 किलोमीटर बचा है हमारी होटल को। तो अच्छा हुआ गाइस कि अभी आज हमने रन काट लिया, तो 1 बजे के बाद मैं होटल में जाके क्या करता, नहाना पीना और खाना करता, वीडियो एडिटिंग करने बैठ जाता, मगर ये रास्ता तो कल सुबह मुझे काटना ही था। तो अच्छा हुआ कि मैं आज काट लिया, क्योंकि हाईवे बढ़िया है मगर छोटे छोटे गांव बहुत है, और अभी से धुंधला हो गया है, यानी अभी से फॉग होने लगा है, तो सुबह तो क्या हालत होगी। तो मैं गाड़ी नहीं चला पाता, और मैं पहुँचता कल रात को अयोध्या में, उसकी जगह मैं पहुँच जाऊँगा दोपहर में शांति से वो भी। और आज भी थक लगता है, कल भी थक लगता है, और आवाज थोड़ी सी फटी फटी आएगी क्योंकि मेरा जो फिल्टर था माइक का वो बाहर उड़ गया है, वैसे तो मेरी बैग में है, उड़ के मेरे हेलमेट के अंदर आ गया था, तो मैंने बैग में डाल दिया है। तो फाइनली कानपुर पहुँच गए हैं, कानपुर का ट्रैफिक बस मेरा टाइम और सब बिजनेस या जॉब करते हुए उन लोगों का टाइम साथ में हुआ, इसलिए और ट्रैफिक है। 15 किलोमीटर चलाना के आधे घंटे बोल रहे हैं, अभी कम हुआ ना, तो 45 मिनट 45 मिनट बोल रहे थे। और यहाँ की पब्लिक है बस, देखो देखो है ना, ये देख के मम्मी कुछ ना कुछ तो बोलेगी कि बाड़ो धीमी नहीं हफ्ते, मम्मी मुझे प्यार से बाड़ा बोलती है, बाड़ो धीमी नहीं हफ्ते क्या। कैमरा एंगल भी मेरे ख्याल से सीधा करना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा है। देखिए कानपुर का ट्रैफिक, अभी ये सिग्नल है उसके आगे ही हमारा होटल है, सिग्नल की देरी है कब खुलेगा। यहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है, अहमदाबाद को भी बढ़िया बोला इन लोगों ने तो। और गोपुरा में 44 मिनट की शूटिंग हो सकती है सिर्फ। फाइनली होटल पे आ गए, किलोमीटर देख लेते हैं, आज का एग्जैक्ट तो नहीं हुआ, 550 होने वाला है, 200 मीटर बाकी है, तो आज 550 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है। तभी चलते होटल में बुक कराते हैं।